नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह, अन्य टैक्स ऑफ LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज आपके सामने फिर से एक नया टैली प्राइम के कुछ ट्रिक्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों, कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता दोस्तों कि ये फीचर कहाँ से देखा जाता है और क्या यूजेज इसके होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको टैली प्राइम के अबाउट फीचर के बारे में बताऊंगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, कि जो कि आपको रेगुलर आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ बेल सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए, कि जैसे कि कोई भी लेटेस्ट अन्य टैक्स ऑफ LLP की वीडियो आपसे छूटे ना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे कि आप उसको व्यू करके अपडेट रहें टैली में। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं ये ट्रिक्स कैसे हो, क्या काम करता है। आप लोग अगर टैली प्राइम यूज कर रहे हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे आप देखते हो इस तरीके का आपको स्क्रीन आपको शो करता है। इस स्क्रीन पे शो करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो मैं टैली अबाउट फीचर के बारे में बता रहा हूँ वो फीचर ऑन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हेल्प में क्लिक करोगे। हेल्प में देखिए एक अबाउट नाम का फीचर है, ये बहुत ही काम का है दोस्तों, कि लोगों को पता नहीं होता। एक्चुअली दोस्तों जो टैली के टेक्निकल चीज़ें जानते हैं उनको तो इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन जो अगर आप बेसिक आप स्टार्ट टैली यूज़ करते हैं आपको इतनी नॉलेज टेक्निकल चीज़ें नहीं है, तो आपके ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आप यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। अगर आज के टाइम में दोस्तों सबसे बड़ी इशू है कि आपको रेगुलर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इशू होता है, टैली सरेंडर हो रहा है, रीएक्टिवेट हो रहा है चीज़ें। आप किसी पार्टनर से कनेक्ट हैं तो आप पार्टनर को कॉल करते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं या टैली टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, टैली आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है। वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों सब कुछ आपको सिंगल पेज के अंदर ही मिल जाता है। ये बहुत ही काम की है, क्योंकि टैली में अभी आपको कोई बहुत लोगों को इशू क्या होता है दोस्तों, कि अगर कॉल किया जाए कि टैली का सीरियल नंबर बताइए, कई लोग इनवाइस खोजते हैं दोस्तों या टैली में कहाँ पे है, उनको वो ढूंढते रह जाते हैं, उनको मिलता नहीं। लेकिन टैली प्राइम के अंदर सर दोस्तों सारी चीज़ें आपको सिंगल पेज के अंदर दे देगा। आप केवल अबाउट पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपका कोई पार्टनर है जो आपको सॉल्यूशन देता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट करके ये डिटेल्स दे सकते हैं व्हाट्सएप पे या उसको बता सकते हैं, क्योंकि आपको सिंगल पेज पे सारी स्क्रीन यहाँ पे शो करती है दोस्तों। क्योंकि टैली प्राइम टैली ERP9 अगर यूज करते दोस्तों तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर बीच में ही दिख जाता था, वो भी कई लोगों को नहीं पता होता था। या और टैली प्राइम के अंदर तो बिल्कुल आपको हाइड कर दिया गया है सीरियल नंबर, या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जो टैली सिल्वर यहाँ पे दिख रहा है, या तो आप अबाउट के अंदर जाएंगे तभी आपको लाइसेंस का डिटेल्स आपको सीरियल नंबर शो करेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ों में आपको अबाउट के बारे में क्यों बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि इसमें बहुत चीज़ें हिडन हैं और बहुत कुछ आपके लिए काम की है। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट क्या है, एप्लीकेशन टैली प्राइम में मेरा चल रहा है और रिलीज क्या चल रहा है 1.1.3। अगर आपको कोई अपग्रेड करना है अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए 1.1.3 अवेलेबल आ रहा है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जैसे ही अपडेट करोगे अपडेट पे यहाँ पे ये ऑप्शन चला जाएगा, अपडेट हो जाएगा। आप यहीं से अपडेट कर सकते हो, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टैली प्राइम के अंदर बहुत कुछ चीज़ें दोस्तों बटन बार एकदम हाइड करके दे रखा है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि टैली प्राइम के अंदर आप रिलीज को अपडेट कर लीजिए तो आपको बहुत इशू होता है कि ये अपडेट का ऑप्शन है कहाँ पे, तो आपको कहीं नहीं जाना दोस्तों, किसी भी बटन पे नहीं दबाना, केवल अबाउट में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करते ही आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लिक हो जाएगी, इस पे जहाँ पे अपडेट करोगे यहाँ पे देखिए आपको कर्सर जा रहा है अपडेट एप्लीकेशन, क्लिक करोगे वैसे ही ये अपडेट कर देगा आपका, यहाँ पे वेबसाइट खोल देगा। यहाँ पे देखिए आपका एप्लीकेशन कहाँ पे इंस्टॉल है, बहुत लोग अगर आपको सपोर्ट होता है कि आपका ड्राइव किस ड्राइव में इंस्टॉल है, ये दोस्तों आपको भी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है कि मेरा टैली प्राइम कहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन कहीं किसी और ड्राइव में इंस्टॉल है, आपका सेटअप कहीं और है, डेटा का फोल्डर कहीं और पे। आपको कुछ नहीं करना है, अबाउट में जाके आप यहाँ पे देख लो एप्लीकेशन पाथ, आपको एप्लीकेशन पाथ यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे जिस भी ड्राइव में होगी तो आपको यहाँ पे ड्राइव का लोकेशन दिख जा रहा है। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपनी ड्राइव की लोकेशन भी देख सकते हो, मेरा टैली एक्चुअली इंस्टॉल कहाँ है, क्योंकि बहुत लोग इशू करते हैं कि सी ड्राइव में नहीं इंस्टॉल होना चाहिए। तो बहुत सारे पार्टनर्स क्या होते हैं दोस्तों, या जिसको नॉलेज नहीं होती वो सी ड्राइव में आपका इंस्टॉल कर देता है। तो सी ड्राइव क्या होता है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी ड्राइव बनाया जाता है। अगर आपका सिस्टम फॉर्मेट या कोई इशू आ जाता है तो सी ड्राइव करप्ट होती है, डी ड्राइव में फिर भी चांसेस होते हैं डेटा को आपको मिलने के। तो आप लोग जब भी टैली प्राइम को इंस्टॉल कराइए डेटा फोल्डर को डी या ई ड्राइव में इंस्टॉल करिए, लेकिन सी ड्राइव में आपको नहीं रखना चाहिए, ये खासकर आप आगे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अदर टैली एप्लीकेशन, कोई और टैली का एप्लीकेशन उसके अंदर तो नहीं है, कुछ और भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पे नन है, कोई और चीज़ें नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लाइसेंस इन्फॉर्मेशन।
लाइसेंस इन्फॉर्मेशन में मोस्ट हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीरियल नंबर। दोस्तों सीरियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टेली टोल फ्री नंबर पे आप बात करते हो या किसी पार्टनर से बात करते हो वो आपका सीरियल नंबर पूछता है, क्योंकि वो सीरियल नंबर अगर पार्टनर से बात करते हो सीरियल नंबर इसलिए मांगता है आपकी डील इन्फॉर्मेशन की है। सेकेंड वो ये सोचता है कि आप किसी और से तो परचेज नहीं किया आपने, तो ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए सीरियल नंबर से सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और टैली के टोल फ्री नंबर पर भी आप बात करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सीरियल नंबर पूछते हैं, तो अबाउट के अंदर आप सीरियल नंबर भी यहाँ से ले सकते हो। एडिशन क्या है, यहाँ पे कई लोग कहते हैं आप सिंगल यूजर यूज करते हैं मल्टी यूजर, लेकिन आप दोस्तों अगर आप अकाउंटेंट हैं किसी कंपनी में जॉब करते हैं आपको अक्सर नहीं पता होता कि सिंगल हो रहा है मल्टी हो रहा है, आपको ये पता होता है कि मैं मुझे काम से मतलब है मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इशू आता है तो आपके लिए ये बहुत जानना जरूरी होता है कि सिल्वर में मेरी कंपनी में यूज हो रहा है या गोल्ड। सिल्वर मीन्स सिंगल यूजर होता है दोस्तों, गोल्ड मीन्स मल्टी यूजर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अबाउट के अंदर मिल जाती है। टेली सॉफ्टवेयर सर्विस मतलब TSS, आप लोग को भी पता होगा कई लोग कॉल करते हैं आपकी कंपनी में कि TSS आपका एक्सपायर। TSS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेली सॉफ्टवेयर सर्विस, जिसको हम रिन्यूअल भी बोलते हैं कि टेली आपका एक्सपायर हो गया है, तो वो आपका यहाँ पे दिखाता है वैलिड 30 नवंबर 2021 एक्सपायरी कब होने वाला है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगा अबाउट के अंदर। टेली वर्चुअल यूजर लिमिट 1, आज के टाइम में दोस्तों बहुत लोगों को नहीं पता कि टैली ने 1 मई से अप्लीकेबल कर दिया TVU लाइसेंस। अगर आप क्लाउड यूजर यूज कर रहे हैं, अगर अपने क्लाउड पे अपनी टैली रखी है अगर सिंगल यूजर, तो टैली सिंगल यूजर को केवल लिमिट है 1 यूजर का। आप अगर 2 यूजर का क्लाउड यूज करना चाहोगे, 2 लोग यूज करें एक साथ, तो आप यूज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए परचेज करना पड़ेगा TVU लाइसेंस, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर मंथ। आपको 1200 एवरी ईयर आपको TVU लाइसेंस के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप मल्टी यूजर यूज करते हो दोस्तों, तो आपको मल्टी यूजर आप देखोगे यहाँ पे चेक करोगे आपको 10 दिखेगा, तो आपको मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं, तो अगर आप लोग क्लाउड पे यूज कर रहे हैं तो 10 यूजर से ज़्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर 10 यूजर से ज़्यादा आप क्लाउड पे एक्सेस करने हैं, RDP पे यूज करने हैं, तो आपको TVU लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। देन आप लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर, आपकी जो लाइसेंस है आपका किस ईमेल आईडी पे एक्टिवेट है, आपको प्राइम के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले पे शो नहीं करता, इसलिए आपको अबाउट में जाके आपको चेक करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे यहाँ पे टेली प्राइम सिल्वर पे भी क्लिक कर दोगे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन यहाँ से अबाउट क्या है, अबाउट में आपको सिंगल पेज में सारी डिटेल्स आप इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टेली गेटवे सर्वर का आपका कोड क्या है वो आपका यहाँ दिखा रहा है, लैपटॉप का नेम क्या है निधीश जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपके भी जो भी सिस्टम का नाम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया टैली एडवांस, मतलब आप लोग कितने मॉड्यूल या कस्टमाइजेशन यूज कर रहे हो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे TDL एडवांस के अंदर मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हो क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे मल्टी यूजर प्रिंटिंग चल रहा है, ये मेगाडोर करके 3 कस्टमाइजेशन मेरी यहाँ पे लोडेड है, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है 4 लोड, 1 ऑनलाइन चल रही है, 3 ऑफलाइन, तो टोटल मेरे पास 4 कस्टमाइजेशन चल रही है। ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर आपसे कोई पार्टनर या सब जो भी आपको सपोर्ट करता है टैली कि आप कोई कस्टमाइजेशन यूज़ तो नहीं कर रहे, तो आप यहाँ से अबाउट के अंदर इन्फॉर्मेशन ये देख सकते हो। अगर आपका 0 लोडेड है मतलब कोई भी कस्टमाइजेशन यूज नहीं कर रहे दोस्तों, अगर 4 आ रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, जितने भी कस्टमाइजेशन अगर आप यूज़ कर रहे तो वहाँ पे आपको नंबर ये लोडेड दिखाए। यहाँ पे अब आप आ जाइए डेटा इन्फॉर्मेशन की सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई लोग पार्टनर्स सी ड्राइव में आपकी टैली इंस्टॉल कर दिया और आपके डेटा का लोकेशन डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव कोई भी दे दिया। ये भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा डेटा का लोकेशन क्या रहा है। यहाँ पे देखिए डेटा का लोकेशन मेरा आ रहा है डी टेली प्राइम डेटा, यहाँ पे मैं क्लिक करके भी मैं आपको चेंजेस करने और चेक करने हैं आप कर सकते हो आप यहीं से, तो मेरा यहाँ पर डेटा लोकेशन का पास भी शो कर रहा है। कंपनी लोडेड स्टार्टअप नॉट अप्लीकेबल, कंपनी लोडेड का मतलब क्या है कि आप टैली प्राइम ओपन करते ही आपका डायरेक्टली वही कंपनी ओपन हो जाए जिसको आपकी रिक्वायरमेंट है। कई लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी टैली प्राइम ओपन होती केवल मेरी कंपनी जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ करंट में वही ओपन हो, आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर अप्लीकेबल जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 21/22 एंटर कर दिया एंटर, यहाँ पे ये इस पर नॉट अप्लीकेबल है, यहाँ पे देखिए इस पर सेव हो, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब स्टार्टअप कंपनी आप जब भी करोगे आपको यहाँ पे लोडेड दिखेगा, यहाँ पे देखिए जैसे आ रहा है ये कंपनी 1001 स्टार्टअप लोडेड, अब ये लोडेड कंपनी हो गई है। जब भी आप कंपनी ओपन करोगे टेली प्राइम को ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। लोकेशन ऑफ कंपनी का बैकअप,
ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि कई लोग टैली से, मोस्टली लोग टैली से ही बैकअप लेते हैं डेटा का। तो डेटा का बैकअप जो लोकेशन है वो मेरा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे सी ड्राइव ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आपको पाथ चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, कोई अदर पाथ आप यहाँ पे ड्राइव देना है, स्पेसिफाइड पाथ देना है, आप यहाँ पे देखे इसको चेंज कर सकते हो। मेरा जब भी मैं टैली से बैकअप लूँ तो केवल जिस ड्राइव में मैंने लोकेशन दे रखा है उसी ड्राइव में जाए। इस तरीके से आपको डेटा इन्फॉर्मेशन की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट के अंदर आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने दिया कनेक्टिविटी एंड टैली गेटवे सर्वर, लोकल एरिया नेटवर्क आपका कनेक्ट है सिस्टम से है या नहीं है वो भी इन्फॉर्मेशन देखिए इसमें दे रहा है, नॉट कनेक्टेड, मेरे इस सिस्टम से अभी भी कोई भी लैन कनेक्टेड नहीं है। तो ये भी कमाल के फीचर है दोस्तों कि आपको सिंगल पेज के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दे रही है। ये चीज़ें एक्चुअली टैली ने इसलिए दे रखा है दोस्तों कि जैसे आप एक कस्टमर हो, आपको आपसे अगर मैं टेलीफोनिक सपोर्ट देने में बहुत इशू होता है कि आपका लैन कनेक्ट है, आपको लैन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बोलते हैं सर कनेक्ट तो होगा सर, तो ये चीज़ें आप अगर सिंगल पेज को स्क्रीनशॉट आपने मेल कर दिया या व्हाट्सअप कर दिया तो आपको सपोर्ट देने में हमें बहुत ही आसानी होती है। और टैली अगर टोल फ्री नंबर टैली को भी अगर आपको सपोर्ट करना है तो बहुत ही आसानी होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट मैं पार्टनर से आप पार्टनर आपसे पूछ रहा है, सपोर्ट सिस्टम आपसे पूछ रहा है, तो आप सिंगल पेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हो, सीरियल नंबर देना है, डेटा पाथ मेरा कहाँ पे है, मेरा टैली कहाँ पे इंस्टॉल है, मेरा ईमेल आईडी क्या है, TSS कब एक्सपायरी हो रहा है। तो ये चीज़ें अवार्ड के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों जो मुझे आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एवरी कस्टमर 90% जो कस्टमर होते हैं दोस्तों उनको ये नॉलेज नहीं होती ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ पे मिलेगी। कनेक्ट टैली सर्वर आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए Nidhish999 नॉट कनेक्टेड इंटरनेट, मतलब यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि मैंने अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया है सिस्टम। मतलब कमाल का ये टैली प्राइम का फीचर है दोस्तों कि एवरी चीज़ें आपको ये लुकआउट कर रहा है, आपको डिस्प्ले कर रहा है कि मेरा सिस्टम यहाँ पे देखिए अभी वाईफाई कनेक्ट नहीं है, तो ये इसमें दिखा रहा है कि इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। बहुत ही अच्छा फीचर है और बहुत अच्छी चीज़ें इसमें टैली प्राइम के अंदर दी गई है। क्लाइंट सर्वर ODBC बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर कोई मोबाइल ऐप जैसे BGNLIS को यूज़ कर रहे हैं तो ODBC से वो कनेक्टेड रहता है, तो वो चीज़ें आपको ODBC आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अगर आप एक्सेल से डेटा फैच करते हो, बहुत लोग करते हैं, तो वो भी ODBC, तो ODBC का काम वहाँ पे होता है, या डेटा सिंक करते हो तो ODBC की ज़रूरत बहुत ही होगी। यहाँ पे ODBC आपका दिया गया, ODBC चेंज करना है आपको, डेटा सिंक करना, तो आप यहाँ से भी चेंजेस भी कर सकते हो पोर्ट नंबर अपना। और आपका यहाँ पे स्टेटस ऑनलाइन कि आपका जो ऑनलाइन टैली के रिमोट एक्सेस है वो स्टेटस क्या है, अवेलेबल है, यहाँ पे यहीं से क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर सकते हो। देखिए टैली की साइट भी दिख रही है tallysolutions.com, यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हो। और सेकंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये भी लोग सपोर्ट देते इस वक्त ये पूछते हैं कि आपका सिस्टम का नेम क्या है, जैसे कंप्यूटर नेम Nidhish है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कौन सा विंडो यूज करते हो, विंडो 10 यूज करते हो, विंडो 8 यूज करते हो, विंडो 7 यूज करते हो, विंडो XP यूज करते हो, तो सारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फायरवॉल, एंटीवायरस, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कई कई चीज़ें हमें फायरवॉल ब्लॉक करता है, या एंटीवायरस अगर मल्टी यूजर यूज कर रहे हो तो खासकर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी क्लाइंट कनेक्टेड नहीं होती, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखिए फायरवॉल यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है दो फायरवॉल चल रहा है, फायरवॉल चल रहा है विंडोज फायरवॉल, एक एंटीवायरस चल रहा है विंडो डिफेंडर जो कि विंडो का खुद का है, ये भी आपको यहाँ पे हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव पे क्लिक कर दो दोस्तों, यहाँ पे कितने GB का स्पेस है, रैम की साइज़ क्या है, 8 GB रैम है सिस्टम में वो आपको दिखा रहा है। प्रोसेसर पे देखिए, प्रोसेसर आपको दिखा रहा है कौन सा प्रोसेसर है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है यहाँ पे दिखा रहा है आपको, प्रिंटर इंस्टॉल कितने प्रिंटर इंस्टॉल हैं 6 यहाँ पे दिखा रहा है, नेटवर्क अडेप्टर है या कनेक्ट है नहीं है, अभी नहीं है इसमें नन दिखा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अबाउट के अंदर ये सारी फीचर आप यहाँ पे देख के आपको जब कभी भी किसी को सपोर्ट के लिए कॉल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन वो टेलीफोनिक आपसे पूछ रहा है आप दे सकते हैं। अगर वो रिमोटली आपका सिस्टम ले रहा है कोई इशू नहीं, फिर तो उसको सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन आप टैली के टोल फ्री नंबर पे बात करते हो या कोई आपको टेलीफोनिक सपोर्ट देता है आप अबाउट पे क्लिक करके ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ पे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये अगर ये फीचर आपको टैली प्राइम की अच्छी लगी है और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा कि आपको नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, अगर आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन देख के प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।